गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट डिजीज़ है जो कि ओबेसिटी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओबेसिटी क्या होती है, उसको उसके प्रिवेंशन के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए किस किस कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं, और जो आसन है उनको करने का तरीका क्या है, उनसे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो ओबेसिटी आपके टॉपिक का नाम है और उसके अंदर है प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन फॉर वज्रासन, पादहस्तासन, त्रिकोण आसन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन। तो ये चार आसन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सो इन प्रेजेंट टाइम ओबेसिटी इज़ अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। कह रहे कि आज के समय में ओबेसिटी मतलब मोटापा एक बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य से रिलेटेड एक सीरियस बीमारी है। दिस प्रॉब्लम इज सीन इन इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। जो ये प्रॉब्लम है ये भारत के साथ साथ और भी बहुत से देश हैं जहाँ पर दिखाई देती है। इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एवरी थर्ड अडल्ट एंड एवरी फिफ्थ चिल्ड्रन आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। कह रहे कि अमेरिका के अंदर हर तीसरा जो अडल्ट है, नौजवान है, और हर पांचवा जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं मोटापे से जूझ रहा है, मोटापे से ग्रस्त है। इन इंडिया वी फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन। भारत में भी हम कुछ ऐसी ही हालत देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल सिंस चाइल्डहुड फॉल प्रे टू ओबेसिटी इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। बहुत मतलब मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं बचपन से ही कहीं ना कहीं ओबेसिटी जो मोटापा है उसमें मतलब उससे ग्रस्त हो जाते हैं। और अब अगर ओबेसिटी की बात करें कि जो मोटापा है वो है क्या, तो ओबेसिटी इज़ अ कंडीशन ऑफ द बॉडी वेयर फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल्स। तो ओबेसिटी क्या है, कंडीशन है हमारी बॉडी की जिसके अंदर जो फैट है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। इन सिंपल वर्ड्स ओबेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन व्हेन एन इंडिविजुअल वेट 20% मोर देन द आइडियल वेट। तो अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो ओबेसिटी क्या है, एक कंडीशन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल का जो वेट है उसके नॉर्मल वेट से या फिर आइडियल वेट से 20% कम, मतलब ज़्यादा, कम से कम 20% ज़्यादा हो जाता है। एन अडल्ट विद अ BMI मोर देन इक्वल टू 30 देन द आइडियल BMI इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी ओबीज। तो कह रहे कि अगर एक इंसान का जो BMI है मतलब बॉडी मास इंडेक्स है वो अगर 30 के बराबर या फिर 30 से ज़्यादा है तो हम उसको ओबीस मतलब जो मोटापा है उसमें कंसिडर करते हैं। इन सच केसेस द बॉडी वेट ऑफ द इंडिविजुअल इज़ ऑलवेज मोर इन कंपैरिजन टू हाइट। इन सभी केसेस के अंदर जो इंसान का बॉडी वेट है उसके हाइट के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होता है। Having considered number of health risks associated with obesity, it has been declared a disease. और obesity मतलब मोटापे की वजह से जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं या फिर उससे जो हमारे को health risk होते हैं उसकी वजह से इसको एक बीमारी घोषित कर दिया गया है। It leads to diseases like cancer, arthritis, osteoarthritis, respiratory disorders, वेरिकोज वेन्स, लीवर माल फंक्शन एट्सेट्रा। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ जैसे कि कैंसर, अर्थराइटिस, ऑस्टियोअर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वेरिकोज वेन्स, लीवर माल फंक्शन एट्सेट्रा। तो ये सभी बीमारियाँ मोटापे की वजह से हमें हो सकती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द परफेक्ट बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो प्रश्न उठता है कि एक इंडिविजुअल का जो परफेक्ट बॉडी वेट है या फिर वजन है वो कितना होना चाहिए या फिर कितना होता है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर अ पर्सन इज ओबीस और नॉट। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इंसान
मोटा है या नहीं है, ओबीस है या फिर नहीं है। वेरियस मेथड आर अप्लाइड इन डिफरेंट कंट्रीज टू नो इफ़ एन इंडिविजुअल इज ओबेस और नॉट। तो बहुत से तरीके हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अपनाया जाता है देखने के लिए कि एक इंसान ओबीस है या फिर नहीं है। एज़ फॉर फर्स्ट मेथड, जस्ट बाई हैविंग अ लुक इट कैन बी इन्फर्ड वेदर ही और शी इज़ ओबेस और नॉट। तो जो फर्स्ट मेथड है वो तो ये है कि किसी को देख कर ही हम ये पता लगा लेते हैं कि वो ओबीस है या नहीं है। बट दिस मेथड मे नॉट बी कंसिडर्ड अ राइट मेथड टू डिटरमाइन इफ एन इंडिविजुअल इज ओबेस बिकॉज द ओपिनियन अबाउट द शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन कह रहे कि ये मेथड जो है ये इतना कारगर नहीं है क्योंकि समय के साथ साथ जो शेप है बॉडी की वो चेंज होती रहती है और उसके बारे में ओपिनियन भी चेंज होता रहता है। फॉर इंस्टेंस चुबिनेस यूज टू बी लाइक बाई पीपल इन यस्टर ईयर्स वेयर एज अ पर्सन विथ स्लिम एंड ट्रिम बॉडी इज अप्रिशिएटेड नाउडेज एवरीवेयर। कह रहे कि पुराने समय के अंदर जो इंसान जिनकी बॉडी मतलब गोल मटोल होती थी उनको अप्रिशिएट किया जाता है और आज के समय पे स्लिम बॉडी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड मेथड इफ एन इंडिविजुअल्स वेट इज मोर इन प्रोपोर्शन टू हिज और हाइट द इंडिविजुअल विल आल्सो बी कॉल्ड ओवरवेट और ओबीस। तो दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल का वेट उसकी हाइट से या फिर हाइट के प्रोपोर्शन में ज़्यादा है तो उस इंसान को हम ओवरवेट या फिर ओबीस कहेंगे। बट दिस मेथड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज द बेस्ट मेथड। लेकिन इस मेथड को भी हम बेस्ट मेथड नहीं कह सकते हैं या फिर उसको बेस्ट मेथड की तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया। द थर्ड मेथड अपीयर्स टू बी अ मोर साइंटिफिक मेथड। जो तीसरा मेथड है तरीका है वो एक ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है। इन दिस मेथड द बॉडी फैट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। इस मेथड के अंदर जो बॉडी फैट परसेंटेज है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इफ द बॉडी परसेंटेज ऑफ अ पर्सन इज इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड लेवल्स ही और शी मे बी कंसिडर्ड एज ओबीस। तो कह रहे कि जो फैट परसेंटेज है एक इंसान का वो अगर बहुत ज़्यादा है जो मतलब रिक्वायर्ड लेवल है उससे कहीं ज़्यादा है तो उस समय पे हम उस इंसान को ओबीस या फिर मोटा कहते हैं। दिस इज सेट टू द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिटरमाइन ओबेसिटी बट एट द सेम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दिस मेथड। इस मेथड को सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड माना गया है ओबेसिटी डिटरमाइन करने के लिए लेकिन उसी मतलब सेम टाइम पे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि फैट परसेंटेज को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स द वेट एंड हाइट चार्ट स्टिल होल्ड्स गुड टू डिटरमाइन ओबेसिटी बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजी टू यूज़। तो अगर हम सभी मेथड्स को कंपेयर करें तो जो वेट एंड हाइट चार्ट वाला जो हमारा मेथड है उसको कहीं ना कहीं अच्छा माना गया है क्योंकि आसानी से ये चार्ट मिल जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और इनको यूज़ करना आसान है। वन मोर मेथड टू चेक ओबेसिटी इज यूजिंग BMI। ओबेसिटी को चेक करने का एक और जो तरीका है वो है अगर हम BMI को यूज़ करते हैं जो कि बॉडी मास इंडेक्स है। इफ़ वन वॉन्ट्स टू नो हिज बॉडी मास इंडेक्स, अगर कोई उस अपना बॉडी मास इंडेक्स जानना चाहता है देन डिवाइड बॉडी वेट इन kg बाई हाइट इन मीटर स्क्वेयर। तो कह रहे कि जो बॉडी वेट है उसको किलोग्राम के अंदर हाइट के स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेट इन kg डिवाइड बाई हाइट इन मीटर का होल स्क्वेयर। तो ये बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है। अब बॉडी मास इंडेक्स का जो WHO ने क्राइटेरिया रखा है, द WHO क्राइटेरिया फॉर ओवरवेट एंड ओबीस एज पर BMI, तो ये आपकी एक चार्ट है। तो इसके अंदर क्या है, अंडरवेट अगर BMI जो है 18.5 से कम आता है तो उसको अंडरवेट कैटेगरी में रखा जाता है। 18.5 टू 24.9 के बीच अगर है BMI तो नॉर्मल वेट कैटेगरी है। 25 टू 29.9 ओवरवेट है। अब ओबेसिटी के तीन क्लास हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट के अंदर 30 टू 34.9, सेकंड के अंदर 35 टू 39.9 और अगर 40 से ज़्यादा है तो ओबेसिटी क्लास 3 के अंदर है।
फ्रॉम द अबाउट टेबल यू मे नो विच कैटेगरी ऑफ वेट यू बिलोंग टू। इस टेबल से आप जान सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हो वेट की। ओबेसिटी कैन बी कंट्रोल्ड एज वेल एज क्योर्ड इफ द फॉलोइंग आसन आर परफॉर्म्ड रेगुलरली। तो ओबेसिटी को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं अगर हम जो आसन अभी हम स्टडी करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, तो अगर उनको अच्छे से करते हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।